सेलेक्ट करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट फॉर लिम्फ. लिम्फ के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है. इट हेल्प्स टू मेंटेन फ्लूड बैलेंस ऑफ द बॉडी. देखो, इट हेल्प्स टू मेंटेन फ्लूड बैलेंस ऑफ द बॉडी. अगर देखा जाए तो ये लाइन बिल्कुल सही है कि मेंटेन करता है फ्लूड बैलेंस को, कि जो आपका ECF होता है. लिम्फ क्या करता है, जो एक्स्ट्रा फ्लूड होता है उसको क्या करेगा, वापस ब्लड में सर्कुलेट कर देता है, ब्लड में वापस फेंक देता है. तो अगर देखा जाए तो ब्लड का बैलेंस तो मेंटेन कर ही रहा है ना, ब्लड बैलेंस तो कर ही रहा है कि वो जो एक्स्ट्रा फ्लूड नहीं तो वो इकट्ठा होता चला जाएगा, ठीक है. तो एक जगह अगर पानी निकलता जाए और वो इकट्ठा होता चला जाएगा तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो वो ये लिम्फ क्या काम करता है, उस एक्स्ट्रा फ्लूड को ले जाता है और वापस किस में फेंक देता है, ब्लड में फेंक देता है. तो अगर देखा जाए तो वैसे तो ये लाइन सही लिखी हुई है कि इट हेल्प्स टू मेंटेन फ्लूड बैलेंस ऑफ द बॉडी. चलिए आगे बढ़ते हैं. इट इज कंटेन्ड अ लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फेटिक ऑर्गन इन मैमल. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लाइन दे रखी है. इट इज ड्राइव फ्रॉम द टिश्यू फ्लूड. हाँ, टिश्यू फ्लूड से लिम्फ किससे बनता है, टिश्यू फ्लूड से ड्राइव होता है. इट कंटेन्स लेस एंटीबॉडीज देन प्लाज्मा. ये भी सही है, ठीक है. एंटीबॉडीज किस में ज्यादा होती हैं, आपकी ब्लड में ज्यादा होती हैं. ये इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स. लेकिन एंटीबॉडीज किस में ज्यादा होती है, ब्लड में ज्यादा होती है. इट फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन. नहीं, यूनिवर्सल डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शनल होता है इसका, यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है. इट हेल्प्स टू कंजर्व प्रोटीन. कुछ प्रोटीन का कंजर्व भी करता है ये, एंड रिमूव द बैक्टीरिया. ये भी सही है आपका. क्या करता है, प्रोटीन का कंजर्व करता है, ठीक है. कुछ प्रोटीन इसके अंदर भी कंजर्व होते हैं और रिमूव बैक्टीरिया का काम करता है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर मैक्रोफेज होते हैं. अब देखो तुम इसमें ये क्या पूछा गया है. अगर हम इस लाइन को देखेंगे तो वैसे तो ये लाइन सही है. अगर स्टेटमेंट देखे जाए तो आपका सेकंड सही है, थर्ड सही है, ठीक है, फोर्थ सही है, फिफ्थ आपका गलत है. फिफ्थ तो बिल्कुल ही गलत है कि ये कैसा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, नीचे से ऊपर हार्ट में जाता है, ठीक है. तो अगर हम यहाँ देखें तो पहला ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ तो इसमें आ गया, तो यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है. अब हम फिफ्थ को पहले मेजर करेंगे क्योंकि फिफ्थ तो बिल्कुल ही गलत दे रखा है, ठीक है. लिम्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है. अब इसमें भी आपका फिफ्थ ऑप्शन आ गया तो ये भी गलत है. फर्स्ट मेरे अकॉर्डिंग भी ठीक है लेकिन इसमें फिफ्थ आ गया तो ये भी गलत है. तो अगर करेक्टली अगर ऑप्शंस को हम देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड आपका सही है, बिल्कुल सही बात है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है और आपका फिफ्थ भी सही, सिक्स भी सही है, ठीक है. फिफ्थ आपका गलत है. तो अगर इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपके कितने ऑप्शन आपके सही हो गए, तो आंसर इसका बी बैठ जाएगा. मेरे अकॉर्डिंग ये वाला भी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है.